गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 12 खड़ी के विषय में अध्ययन करेंगे। 12 खड़ी यानी हिंदी के अंतर्गत जो 12 खड़ी होती है उसमें व्यंजन पर किस प्रकार से मात्रा लगाई जाती है, और आ का, ई का, ई का, ऊ का, ऊ का, ए आए, ओ औ, अंग अ, ये कैसे मात्राएं लगती हैं। जैसे क पर आ का मात्रा लगाते हैं तो का हो जाता है, क पर छोटी की मात्रा तो की हो जाता है, बड़ी की मात्रा की। इसी प्रकार से इंग्लिश के अंतर्गत किस प्रकार से अक्षरों का निर्माण किया जाता है, क को कैसे लिखा जाता है, ख कैसे लिखा जाता है, ग कैसे, और उस व्यंजनों के ऊपर मात्रा कैसे लगाई जाती है, यह कहलाता है 12 खड़ी। और इसका जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि बगैर इसके आप अंग्रेजी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आप जीरो से शुरू करना है। आप मान के चलिए कि कक्षा एक के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी कुछ नहीं जानते हैं, जीरो से शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको सिखलाया गया शुरू के वीडियोस के अंतर्गत कि आप कैपिटल लेटर कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर कैसे लिखेंगे, राइटिंग कैसे सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ और साफ सुथरा कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें बताएंगे। उसके बाद अब यह है कि आपको 12 खड़ी यानी हिंदी में ककारा जिसको बोलते हैं, इस 12 खड़ी में कैसे आप अंग्रेजी हिंदी को अंग्रेजी में लिखेंगे, यानी हिंदी के 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, उसका ज्ञान यहां कराया। क्योंकि यह लंबा चैप्टर है इसलिए कई भाग में इसके अंतर्गत बांट दिया गया है। तो अब इसमें इसके पहले वाले 4 वीडियोस के अंतर्गत क से लेकर के और यानी क ख ग घ अंगस तक एक, फिर च छ ज ज इया तक एक, फिर ट ठ ड ढ एक, त थ द ध नहीं, यानी 4 वीडियोस के अंतर्गत इसके पहले आपको बाकी चीजों को समझाया जा चुका है। यहाँ प से लेकर के और म तक है कि अब यहाँ देखिए कि किस प्रकार से अंग्रेजी को हिंदी में किया गया था। जैसे पी का मतलब होता है प, आप कुछ इसमें पी ए भी लिख सकते हैं, पी ए का मतलब भी प, इसलिए कि व्यंजन में जानते हैं आपको बतलाया जाता है, सिखलाया जाता है कि अगर केवल पी लिखा हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसके अंतर्गत स्वर नहीं है। और किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए आप प कहते हैं तो उसमें अ मिला हुआ है, तो इसलिए पी के जगह पर ए भी डाल जाता है, पी ए, यानी पी ए यहां लिखा है वो प की भी अंग्रेजी हो जाएगी और पा की भी अंग्रेजी हो जाएगी। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब यहां नहीं लिखा जा रहा है पी ए प, पी एच ए फ, बी ए ब, बी एच ए भ, एम ए म, यह लिखा जाता था। लेकिन आधुनिक में इसको कोई आवश्यक काम नहीं है, आप लिख सिख सकते हैं पी ए का मतलब प, जैसे चाहे केवल पी से भी काम चला सकते हैं और पी ए से भी लिख सकते हैं। तो पी का मतलब प, हमने नहीं लिखा है पी का मतलब प, पी ए का मतलब पा, आ का मात्रा पा, पी आई, पी आई छोटी ए की मात्रा है, पी पी आई पी, पी पी डबल ई पी, पी डबल ई पी, यानी डबल ई जब आप लगाएंगे तो ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, पी यू पु, यू से छोटी ऊ की मात्रा होती है, पी यू पु, पी डबल ओ पू, पी डबल ओ पू, पी ई पे, पी ई पे, पी ए आई पै, पी ए आई पै, पी ओ पो, पी ओ पो, पी ए यू पौ, पी ए यू पौ, पी ए एन पंग, पी ए एन पंग, पी ए एच प, पी ए एच प। अब आइए फ पर, पी के साथ एच जोड़ दिया जाता था, पी एच का मतलब फ, पी एच फ। अब उसके बाद फा लिखना हुआ तो उसके साथ आप ए जोड़, पी एच के साथ ए जोड़ देते हैं तो हो जाता है फा। अब फ के लिए आप केवल पी एच यहां लिखा हुआ है, आप उसमें ए लगा सकते हैं, पी एच ए फा, आप केवल फ से पी एच से भी काम चला सकते हैं, पी एच का मतलब फ, पी एच ए फा, पी एच आई फी,
PHI फ्री, PHEE फी, PHEE फी, इस डबल ई से बड़े ई की मात्रा बनती है। PHU फू, PHU फू, ये छोटी ऊ की मात्रा है यू से, और PHOO फू, PHOO फू, PHE फे, PHE फे, यहां देख रहे हैं ई से ए का मात्रा बनता है। इंग्लिश में ए की मात्रा लगानी हो तो ई लगता है। फाय, PHAI फाय, ए आई से आई का मात्रा होता है फाय। PHO फो, यहां ओ से ओ की मात्रा है, PHO फो, और आओ की मात्रा लगे ए यू लगाया जाता है, PHAU फाओ, PHAU फाओ, PHAN फंग, PHAN फंग, और फ, PHAH फ, PHAH फ। अब तीसरे नंबर पर आइए, ब, बी का मतलब, इंग्लिश में बी का मतलब माना जाता है हिंदी का ब। अब हिंदी में बी से मतलब ब लिखिए, अच्छा बी के साथ आप ए जोड़ भी सकते हैं, बी ए का मतलब ब, और बी ए का मतलब भी बा, यानी आप यहां ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो बी का मतलब ब, और बी ए का मतलब बा। बी आई बी, छोटी की मात्रा, बी आई बी, बी डबल ई बी, बी डबल ई क्या पढ़ेंगे बी, बी यू बुक, बी यू बुक, बी डबल ओ बू, बी डबल ओ बू, बड़ी ऊ की मात्रा, डबल ओ से बड़ी ऊ की मात्रा होती है। बी ई बे, बी ई बे, बी ई बे, बी ए आई बै, बी ए आई बै, बी ओ बो, बी ओ बो, बी ए यू बाओ, बी ए यू बाओ, बी ए एन मंग, बी ए एन मंग, बी ए एच बह, बी ए एच बह। अब आइए भ पर, बी के साथ यच जोड़ दिया जाता है तो भ बन जाता है। अब इसमें ए भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। बी यच भ, उस पर आ की मात्रा लगानी हो तो भात, बी एच ए भा, बी एच ए भा। बी एच आई भी, बी एच आई भी, बी एच डबल ई भी, बी एच डबल ई भी, बी एच यू भू, बी एच यू भू, बी एच डबल ओ भू, बी एच डबल ओ भू, बी एच ई भे, बी एच ई भे, बी एच ए आई भय, बी एच ए आई भय, बी एच ओ भो, बी एच ओ भो, बी एच ए यू भाव, औ की अंग्रेजी ए यू, बी एच ए यू भाव, बी एच ए एन भंग, बी एच ए भंग, बी एच ए एच भ, बी एच ए एच भ, यानी भ के लिए ए एच का प्रयोग आप करते हैं, बी एच ए एच भ। अब इसके बाद है म, यम से म लिखा जाता है, आप यल ए लगा भी सकते हैं, म, यम ए का मतलब म, या यम ए का मतलब मां भी, तो इसलिए म केवल लिखना तो यम से काम चल जाएगा, ए लगा भी सकते हैं। मी, यम आई मी, यम आई मी, यम डबल ई मी, यम डबल ई मी, यम यू मु, छोटी ऊ की मात्रा, यम यू छोटी ऊ की मात्रा मु, यम डबल ओ मू, बड़ी ऊ की मात्रा, यम डबल ओ मू, यम ई मे, यम ई मे, यम ए आई मै, यम ए आई
मैं, यम ओ मो, यम ओ मो, यम ए यू मो, यम ए यू मो, यम ए यम मंग, यम ए यम मंग, यम ए यत मह, यम ए यत मह। तो इस प्रकार आपने इसमें देखा प फ ब भ म, इन पांच अक्षरों, पांच अक्षरों का खड़ी, बारह खड़ी कैसे बनता है, यानी इन बारह खड़ी को जानकारी प्राप्त करने के बाद और फिर स्वर को ए ई आई ओ यू के विषय में विस्तृत ज्ञान कर लेने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे शब्दों का निर्माण करने के लिए, कि आप कैसे शब्दों का निर्माण करना है। जैसे मान लीजिए लिखना आपको नीता, तो आप क्या करेंगे, अन में डबल ई लगाएंगे और लिखेंगे टी ए नीता, और ऐसे लिखना हो फीता तो क्या लिखेंगे पी एच डबल ई टी ए फीता, है ना। सीमा टी एस डबल ई एम ए सीमा, इस प्रकार से, यानी जब आपको अक्षरों के बारह खड़ी का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसके माध्यम से आप शब्द बनाने में सक्षम हो जाएंगे, और जब शब्द बना लेंगे, शब्दों का उच्चारण कर लेंगे, लिख लेंगे, तो वाक्य भी छोटे बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बार बार दोहराइए और देखिए कि कैसे आप इसको सीख सकते हैं। पहले सुनिए, पढ़िए, मनन कीजिए, फिर भी अगर आपको कोई समस्या खड़ी होती है तो ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं 8115730220 या 9935386983, उस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। और इसके अलावा अन्य आपको कोई लेसन पढ़ना है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के अंतर्गत ग्रामर या ट्रांसलेशन का, तो आप ऊपर जो एड्रेस दिया गया, मान लीजिए आपको सिंटैक्स पढ़ना है इंटरमीडिएट का सिंटैक्स, तो सिंटैक्स बाय के डी सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग, ठीक, जहां आप ये टाइप करेंगे सारे वीडियो सिंटैक्स के आपके आने शुरू हो जाएंगे यूट्यूब के अंतर्गत, और आप उन्हें पढ़िए, उसे समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।